तो सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पर जलाल वकार के आसार जाहिर हुए और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी अभी फरिश्तों ने बताया इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। गौस पाक ने निगाहें झुकाई, फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मरतबा आपको देखा था। जब उसने फरिश्ते ने गवाही दी, फरमाया जा अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी है। उसने कहा मैंने अपने बाप को बहिश्त में देख लिया है। अब अगर आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद वही का सिलसिला जारी है और किसी और शख्स के ऊपर वही नाजिल होती है और वो आपको बताता है, तो फिर तो आप हमारे पास ले ताकि फिर हम आपके साथ फिर खत्मे नबूवत पे बात करेंगे ना, आप तो खत्मे नबूवत को नहीं मानते। तो सुन, अगर ये बात कहने में जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था तो कदम गर्दने औलिया पर है। जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था, खुदा अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, कदमी हाजी ही अला रकबति कुल वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो अल्लाह के हुक्म से जो काम डायरेक्ट कोई करता है वो नबी होता है या वली? हाँ, वो गुलाम और कादियानी हो सकता है अगर नबी नहीं है तो, और खत्म नबूत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी दर्जे में। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया, महबूब है ना, वादा किया है कि वो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वालों, नाम पुकारने वालों और मेरे बारे में अच्छा अकीदा रखने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरदगार जल्ला जलालुहु ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अदाब में तख़फीफ यानी कमी की जाएगी। वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की बात को मुनकशिफ कर दे या इतला दे दे। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। फआमिनू बिल्लाही व रसूली, पस तुम्हारा काम इतना ही है कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ, यानी अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें गैबी खबरें दें, तुम्हारा काम ईमान लाना है। तुम्हारी ये डिमांड दुरुस्त नहीं है कि हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल करे, ये अल्लाह ने तय कर लिया अपनी डेस्टिनी में कि अपने पैगंबरों पर वही का सिलसिला करेगा, उनके जरिए आगे मामलात को लेके चलेगा। कोई इल्म गैब की खबर मानना ये खत्म नबूत के ऊपर डाका है, सिवाय एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है कि मेरी वफात के बाद, सही बुखारी में आया, मेरी वफात के बाद नबूत की खबरों में से अब सिर्फ मुबशरात बाकी रह गए हैं। और साहबा ने पूछा मुबशरात क्या है, तो आपने फरमाया कि नेक ख्वाब। तो पहले ये कहता हूं कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी अलैहिस्सलाम के बाद, मेरे नज़दीक तो वो भी काफिर है, और जिसने नबी का नाम लिए बगैर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया वो भी काफिर है। मेरे हाथों को गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह के। हाँ, सिर्फ ये कि आपने सिर्फ नबी कहने वाले को कहा हुआ है, वो जिसको कहते हैं ना, एक बंदा कह दे मैं शराब पी रहा हूँ, आप कहते हैं शराबी है, दूसरा उसी शराब को अंगूरों का जूस कह के पी रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये जूस है, मैं तो दोनों को शराबी मान।